सो वेलकम बैक वंस अगेन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं खास प्रोडक्ट जो कि हमें Amazon से डिलीवर हो चुका है। तो सबसे पहले तो जब मैंने बॉक्स देखा तो हमें ऐसा लगा था कि शायद हमने रॉन्ग डिलीवरी जो है एक्सेप्ट की है, बट अभी जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो देखते हैं इसके अंदर वाकई में वही प्रोडक्ट है जो हमने ऑर्डर करा है। तो अभी हम इसको खोलने की ट्राई कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, तो ये अब हम इसकी जो सील वगैरह है उसको कट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अब देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वाकई में इसमें हमारा प्रोडक्ट ही है या कोई न्यू प्रोडक्ट है। तो उसके बाद तो वैसे बॉक्स तो बहुत बड़ा है, और ये क्या हुआ देख सकते हो दोस्तों कि इसके अंदर थोड़ा सा रैप इन्होंने डाला हुआ है, और नीचे जो हमारा प्रोडक्ट था जो कि डिजिटेक का DV500 ट्राइपॉड था वो इसके अंदर है। तो फाइनली हमारा ही प्रोडक्ट है जो हमने ऑर्डर करा था, बट ये बॉक्स देखकर हमें थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था कि इतना बड़ा बॉक्स इस छोटे से आइटम के लिए इन्होंने दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें इतना भी कोई इन्होंने यूज़ नहीं करा था मटेरियल की जिससे हम ये बोलें कि ब्रेकेज की जो लिमिट है उसको रोक सके। बट स्टिल चलो ओके, जैसे इन्होंने डिलीवर करा अभी तक तो हमने देखा नहीं है कि क्या प्रोडक्ट वाकई में ही अच्छी कंडीशन में है या कहीं कोई इसमें स्क्रैच वगैरह या ब्रोक तो नहीं हुआ है। तो ये आपको फीचर्स थोड़े से दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो बाद में आपको मैं अच्छे से इसकी फ़ीचर्स के बारे में डिटेल बताऊंगा सारी। तो चलो खोलते हैं इसको। तो ये अब हम यहाँ पे खोल रहे हैं, उसके बाद सबसे पहले तो हमें इसमें कोई यूज़र मैनुअल तो इसमें कोई भी नहीं था कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे, जो कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं फीचर्स के बारे में बस ऊपर जो इसका कवर है उस पर दिया गया था। इसके अंदर आप देख सकते हो कि रैप में लगा हुआ है, उसके बाद ये प्लास्टिक कवर हमने उतार दिया। तो अंदर एक कैरी बैग है जो कि इसके साथ ही है, आप देख सकते हो ये कैरी बैग। तो इसको आप शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हो अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग, आपने इसको कैरी कैसे करना है। इसमें ग्रिप लगी है उससे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, तो ये कैरी बैग के लिए बढ़िया है कि आप इसको कैरी कर सकते हो। उसके बाद जिप लगी है तो जिप को आपने ऐसे खोल देना है, तो अंदर जो आपका प्रोडक्ट है वो दिखने में कुछ ऐसा है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद इसके ऊपर और एक कवरिंग लगी है तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के बाद आपका जो ट्राईपॉड है वो कुछ इस तरह का ही दिखेगा। तो देखिए इसमें आपके पास हैंडल ग्रिप है कि आप इसको कैरी कर सकते हो ईजिली। इसमें आपको 360 रोटेशन मिलती है कि आप इसको चाहे जितने एंगल से घुमा लो। इसमें आपको नॉचेस मिलते हैं, नॉच में आपके बेस्ट बेनिफिट ये है कि इसमें जो आपको अपर का नॉच है उसमें आपको रोटेशन वाला मिल सकता है कि आप इसने टर्न करोगे उसके पास उतनी उसमें ग्रिप है कि ताकि जो उसका ऊपर वेट कैरी हो रहा है वो कहीं उसमें डिसबैलेंस तो ना हो। तो बैलेंसिंग के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे फीचर्स में ऐड करें। तो फीचर्स में बात करें, इसमें 3 हेड विद एडजस्टेबल पैन है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग साइज एडजस्ट कर सकते हो। इसकी जो लेग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, नीचे रबर की कोटिंग है उसमें ये है कि आपको बैलेंसिंग अच्छा मिलता है। इसमें हुक है, आप उसको कैरी कर सकते हो अच्छे से, आप इसके नीचे कुछ और आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको मल्टीपर्पज़ है, आप इसको कैमरा के लिए यूज़ भी कर सकते हो और आप इसको मोबाइल फ़ोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये था एक छोटा सा रिव्यू अबाउट अनबॉक्सिंग दिस DVR 500। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक शेयर ये सब कर देना, और हाँ साथ में सब्सक्राइब कर देना हमें चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।